everybody, this is Pooja. Welcome to our channel Brown Cosmo. और आज हम बात करेंगे मुझे दिया था पार्ले गिफ्ट और वो गिफ्ट क्या था मैंने किसी को नहीं दिखाया सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे क्योंकि उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनती है सो दैट इज दिस इसलिए मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है पूजा बनी पायलट बिकॉज दिस इज अ ड्रोन और ड्रोन को उड़ाने के लिए बिकॉज इट्स अ बिग ड्रोन आई नीड अ लाइसेंस टू फ्लाई दिस बिना लाइसेंस के आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते इन कैनेडा अगर 250 ग्राम से कम है देन यस यू कैन डेफिनेटली बट दिस इज मोर देन 250 ग्राम्स तो मुझे उसके लिए लाइसेंस चाहिए था इसीलिए मैं बनी हूँ आज पायलट तो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी इसमें क्या क्या आता है और इसको आपने कैसे इसके वो पंख वगैरह लगाने हैं एवरीथिंग दैट आई विल शो यू टुडे सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड देयर इट इज This is the drone और ये है उसकी goggles because this is a first person view that means कि अगर आप goggles लगाते हो drone के कैमरे में जो भी record होगा वो आप goggles लगा के देख सकते हो So starting with the goggles these are the goggles that comes with it और इसके साथ यहाँ पर जो है चार antenna लगते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ ये चार एंटीना है इसको मैं अटैच करके दिखाती हूँ अभी बस इसको ऐसे स्क्रू करना है एंड दैट्स इट ये बेसिकली सिग्नल के लिए होते हैं क्योंकि ड्रोन इतनी दूर फ्लाई करेगा और ड्रोन में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इस गॉगल्स में जो दिखाना है उसके लिए ये एंटीनाज हैं और अच्छी बात ये है कि ये रिमूवेबल हैं अगर आपको कहीं इसको कैरी करना है आप इसको निकालो एक साइड रखो जैसे भी इसकी पैकिंग आई थी और इसको एज इट इज पैक करो क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पैक करोगे तो ये अच्छे से पैक नहीं होंगे सो इसको रिमूव कर सकते हो आप ये इसकी बैटरी आती है साथ में इसको आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं एंड देन ये वायर आती है यूएसबी है यूएसबी आप इसमें लगाओगे एंड दिस इज़ द यूएसबी सी और इसको आप अटैच करोगे यहाँ पर इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो इसके अलावा गॉगल्स को आप लगाओगे कैसे उसके लिए ये स्ट्रैप आती है ये एडजस्टेबल है यू कैन सी दैट आप इसको कैसे भी अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो तो ऐसे आप इसको स्ट्रैप लगा के अपने आँखों पे लगा सकते हो सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द डेविल जो ये ड्रोन है इसकी लुक बड़ी अच्छी है अगर आप इसको देखो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मिलिट्री का ड्रोन हो जो उनके वो टैंकर्स वगैरह होते हैं ना वैसी एक बड़ी सॉलिड सी लुक है इसकी सो इसमें क्या है पहले तो यहाँ पे इन्होंने कवर लगाया हुआ है दिस इज़ द कैमरा वो कैमरा का कवर लगाया हुआ है क्योंकि अगर आपने इसको कहीं स्टोर करके रखा है या वैसे कहीं पड़ा हुआ है तो उसका लेंस गंदा नहीं होगा उसको सेफ रखने के लिए ये इन्होंने लगाया हुआ है सो ऐसे इसका कवर निकालते हैं हम और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर भी इन्होंने कवर लगाया हुआ है दैट्स जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड यू कैन सी ये 4K में वीडियो रिकॉर्ड करता है सो दैट्स अ गुड थिंग एंड इसमें स्टेबलाइजर भी है सी अगर आप देखो अगर आपका ऐसे वो आप उड़ा रहे हो उसको ड्रोन को जब ये टर्न ऑन होगा कि अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा स्टेबल रहेगा आप जिस भी मर्जी डायरेक्शन में इसको ले जाओ आप नीचे इसको वीडियो बनाना चाहते हो सामने वीडियो बनाना चाहते हो ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो कहीं से भी आपको इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर यहाँ पे आती है इसकी बैटरी सो दिस इज़ द बैटरी पैक ओवर हेयर आप इसको यहाँ से निकाल के बैटरी को निकाल सकते हो उसको चार्ज कर सकते हो देन दोबारा इसमें लगा सकते हो और इसमें यह है कि एक बार अगर आपने बैटरी चार्ज की आई थिंक इसको एक घंटा लगता है चार्ज होने में और उसके बाद आपको ये देगा अबाउट 20 to 30 मिनट्स फ्लाई टाइम देगा
एंड देन हेयर इज द स्पॉट फॉर द विंग्स. यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी बी एंड देन ए. सो इसके दो दो सेट आए हैं विंग्स के. दीज आर ऑल बी एंड दीज आर ऑल ए. सो उन्होंने थोड़े स्पेयर विंग्स भी दिए हैं, तो हम इसको अटैच करेंगे. पहले तो यहाँ पे कोई रेड मार्क नहीं है, सो दैट विल बी बी. और जो दूसरे वाले विंग्स हैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रेड मार्क दिया हुआ है उन्होंने, तो दैट विल गो विद द ए. यहाँ पे इसको रखा, इसके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, आप इसको दबा सकते हो. ऐसे दबाया इसको एंड देन जस्ट ट्विस्ट इट. दैट्स इट. और इसमें अच्छी बात ये है कि एक तो विंग्स तो आपको एक्स्ट्रा मिलते ही हैं साथ में, पर इसकी आप वारंटी भी ले सकते हो. इसकी वारंटी आती है एक साल में, दो रिप्लेसमेंट देते हैं. और अगर आपको बड़ी वाली वारंटी चाहिए, उसमें आपको मिलेंगी दो साल में 3 रिप्लेसमेंट मिलेंगी. बट उसमें आपको बस डिडक्टिबल पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं ये ड्रोन ख़राब हो जाए, किसी चीज़ को हिट करके टूट जाए, या वाटर डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपको रिप्लेसमेंट देंगे. ये ड्रोन अकेला एक्चुअल अबाउट आई गेस $800 का है, बट अगर आप इसकी इंश्योरेंस लेते हो साथ में, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिडक्टिबल देना पड़ेगा, और वो आपको नया ड्रोन प्रोवाइड कर देंगे. सो विंग्स इसके लग चुके हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंसर्स, ये सेंसर्स के साथ आता है. अगर आप इसको उड़ा रहे हो, सामने कोई चीज़ आ जाए, तो उसको ये हिट नहीं करेगा. ये दो फ्रंट सेंसर्स हैं जो आगे को देखते हैं. अगर आगे कोई चीज़ आ जाए, तो ये वहीं पे उड़ी जाएगा, ये आगे उसको हिट नहीं करेगा. सो इफ इट्स कमिंग लाइक दिस एंड देयर इज अ फोन, इट्स गोना हवर लाइक दिस इन द एयर. एंड देन इसके नीचे भी सेंसर्स आते हैं. ये दो नीचे के सेंसर्स हैं. अगर ये कहीं आप इसको नीचे लेके जा रहे हो, अगर आप इसको लैंड करवा रहे हो वापस, तो लैंड करते वक्त ये बिल्कुल नीचे गिरेगा नहीं. इट विल स्लोली गो डाउन, इधर इट विल लैंड. अगर आप इसको लैंड करवा रहे हो, अगर लैंड नहीं करवा रहे हो, तो ये यहीं पे हवा कर जाएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा. और यहाँ पे एक स्पॉटलाइट देख सकते हो, अगर कहीं पे अंधेरा है, तो ये स्पॉटलाइट जग जाएगी. सो दे विल बी लाइट, आपको दिखेगा कि आपका ड्रोन एक्चुअली कहाँ है उस वक्त. तो इसको अगर स्टार्ट करें, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी आती है, ऐसा लगता है जैसे कि असली ड्रोन या कोई एरोप्लेन यू नो टेक ऑफ करने लगा है. इसीलिए इसको जो फ्लाई करता है उसको पायलट बोला जाता है, बिकॉज इट रियली साउंड्स गुड. मैं भी स्टार्ट करके दिखाती हूँ इसकी लाइटिंग और इसकी आवाज़ चेक करना. रेड लाइट एंड पीछे ग्रीन लाइट चल रही है, कितनी अच्छी लग रही है. सो इसको आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक स्मोकी सा कवर लगा हुआ है, दैट इट लुक्स लाइक ब्लैक और ग्रे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है. और इसके साथ में एक और कवर भी आता है. ये जो स्क्रूज हैं, आप इनको निकाल के ये वाला कवर भी लगा सकते हो. बट जब मैंने पहली बार देखा था, आई वॉज लाइक कि इतना वियर्ड सा कलर क्यों है, लाइक ग्रीन कलर क्यों दे रहे हैं, दिस ऑल इज इन ब्लैक, और यार थोड़ा सा रेड है, यू नो कितना कूल लग रहा है, पर ये उन्होंने ग्रीन क्यों दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एरिया में ड्रोन उड़ा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये उड़ जाएगा या गुम हो जाएगा, कहीं पे गिर जाएगा, या आपको दूर से दिखाई नहीं देगा, फॉगी एरिया है, सो दिस इज़ द रीज़न. बिकॉज ग्रीन येलो ऐसे लाइट कलर बहुत विजिबल होते हैं, तो ईजिली आपको दूर से दिख जाएगा कि आपका ड्रोन कहाँ पर है. तो हेयर कम्स द कंट्रोलर. इसके साथ हम ड्रोन कंट्रोल करेंगे, ऊपर जाना है, तेज़ जाना है, आगे जाना है, लेफ्ट जाना है, कहीं भी जाना है, दिस इज़ व्हाट यू नीड. सो यहाँ पे इसके दो लगते हैं कंट्रोलर्स. सो इट्स स्टोर्ड ओवर हेयर एक्चुअली. सो यहाँ से आप निकालो इसको एंड देन जस्ट स्क्रू इट ओवर हेयर. ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी इसको करो. एंड देन अगर आपको इसको स्टोर करना है, दोबारा से निकाल के यहाँ पे स्टोर करो. ऐसे स्टोर करोगे आपको डर लगा रहेगा कहीं ये टूट ना जाए, बैंड ना हो जाए, निकल के गिर ना जाए,
सो दिस इज द रीज़न कि उन्होंने यहाँ पे स्टोरेज इसकी बनाई हुई है. इट्स ये रबर की है थोड़ी, तो इसमें अच्छे से अटैच हो जाता है, आपको कोई डर नहीं रहेगा कि ये कहीं गिर ना जाए या गुम ना हो जाए. और उसके साथ इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग. दिस इज़ अ पावर वॉचर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके तीन मोड्स हैं. यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन सी कैमरा एंड द रेड बटन. दिस इज स्टॉप और स्टार्ट. सो दैट्स ऑल फॉर द कंट्रोलर. एंड ये इसका हमारे ड्रोन का पावर पैक है. यहाँ पे आप अपनी बैटरी को अटैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस दीज वायर्स एंड ऐसे आप इसको चार्ज करोगे. सो सारी चीज़ें दिखाने के बाद अभी इसकी आपको हम कॉस्ट बता दें कि ये एक्चुअली कैनेडियन डॉलर्स में है कितने का. सो इसकी कीमत है अराउंड $3,000 इंक्लूडिंग गॉगल्स भी साथ में आई है, कंट्रोलर, ये ड्रोन है, इसकी बैटरीज है एक्स्ट्रा, और इसकी जो इंश्योरेंस मिलती है वो सारा इंक्लूड करके $3,000 का खर्चा है आपका. और इसके अलावा ये 104 किलोमीटर की स्पीड पर जाता है. तो अगर आप इसको स्टार्ट करते हो और ऊपर लेके जाना है, सो इट विल गो लाइक 10, इट्स नॉट गोना ओबे, और आपको पता नहीं चलेगा कब ऊपर चल गया. 104 किलोमीटर की स्पीड पर जाता है. अगर एरिया विंडी है, हवा चल रही है काफ़ी, तो इसकी आई गेस है 36 to 40 किलोमीटर अगर विंड स्पीड है तो ये अच्छे से फ्लाई कर लेता है. पर उससे अगर ज़्यादा है देन यू शुड बी केयरफुल, और मे बी वो नीचे गिर जाए या कहीं गुम हो जाए. सो डोंट टेक द रिस्क फॉर दैट. सो नाउ सारी अनबॉक्सिंग होगी, आपने सारी चीज़ें देख ली कि इसमें क्या क्या आता है. कंट्रोलर देख लिया, इसकी गॉगल्स देख ली, ड्रोन देख लिया. अभी हम इसको चला के देखेंगे. बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये ड्रोन आता है ये एक्टिव नहीं आता, इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. उसको थोड़ा टाइम लगता है. इसकी आपको DJI ड्रोन की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ये तीनों चीज़ें टर्न ऑन करनी पड़ती हैं, अटैच करनी पड़ती हैं. सो दैट विल टेक सम टाइम, और वो हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है और फिर उड़ना कैसे है एंड इसको लाइसेंस कैसे लेना है. उसकी सारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे जल्दी. सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू टू माय मेकअप भी फॉर दिस ऑसम गिफ्ट. यू नो कि हम YouTube वीडियोज बनाते हैं, सो दिस इज अ रियली गुड एडिशन टू आवर चैनल. And hopefully you are going to see very, very beautiful views, all the hills, mountains, water and everything around Canada and America. So, uske liye hamare channel ko subscribe kar le and don't forget to share our videos. Thank you so much. Bye-bye.